सो हाय गाइस, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अनग्रेजुएट गेमर्स। सो गाइस कैसे हो आप? सुलु बढ़िया होंगे एंड गाइस आगे बढ़िया रहे। सो गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी भाइयों, कैसे हो भाई लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो गाइस ये मैच है ना, देखो मैं अभी बैठा था ना, जस्ट मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, ये विदाउट लाइव ऐसे ही खेल रहा था। ओके एंड फोन से रिकॉर्ड किया था तो इसीलिए इंटरनल साउंड रिकॉर्ड तो हुआ था लेकिन वो थोड़ा गड़बड़ टाइप हो गया था। ओके इसीलिए मैं आपको ऊपर से वॉइस ओवर करके दिखा रहा हूँ। इसमें सामने आ गए थे गाइस 3 ग्रांड मास्टर प्लस 1 हीरोइक प्लेयर, और भाई इतना तगड़ा कोऑर्डिनेशन था ना उन लॉन्डो का, भाई क्या ही तो बोलो। आप इस मैच को लास्ट मोमेंट तक एंजॉय करोगे तो इसलिए पूरा देखना। एंड हाँ साथ में ये बता देता हूँ, लास्ट में आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जो कि आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। आप लास्ट तक वीडियो देखो एंड उस क्लिप को देखना और फिर आपके ऊपर है। ओके चलो गाइस, तो यहाँ पे मेरी इस वाले राउंड में जरूरत ही नहीं पड़ी है, लास्ट में जरूरत पड़ी एक हेडशॉट मारा यूएसपी से, बंदी को ले गया। ओके गाइस तो यहाँ पे 1-0 हो गया राउंड, अपने को लगा बहुत इजी जाएगा मैच, जैसे नॉर्मल गेम्स जाते हैं हम आराम से जीतेंगे 4-0 से। तो मैंने यहाँ पे नीड उठा लिए एंड भाई मैं बता देता हूँ मेरा काम नीडर का है और सपोर्टर का है, ठीक है? अपने जो अपनी स्क्वाड है तोंडे दाई, उसमें क्लैश स्क्वाड वाले में रश करते हैं, रश प्लस स्नाइपर। जब स्नाइपर आ जाती है उनके हाथ में, स्नाइपर तो वैसे बहुत कम ही मिलती है इसमें, वो फुल मैप में मिलती है, लेकिन यहाँ पे गाइस वो रशर का काम करते हैं ज्यादातर। ओके एंड अपनी नीड मुझे दे देते हैं। चलो गाइस तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैं बैठा हुआ क्यों भाई, क्या पॉटी कर रहा था मैं यहाँ पे? ओके गाइस तो यहाँ से मैं उठ गया हूँ। अभी इस वाले राउंड में वो देंगे झटका, क्या देंगे वो झटका गाइस? तो मैंने यहाँ पे एक नीड कुक किया, यहाँ पे बंदा बैठा रहता है लेकिन शायद भाई डाउन हो गया। ओके गाइस तो एक बंदा डाउन हो गया, तो किल कन्फर्म कर लेते, लेकिन यहाँ पे मेरे दोनों नीड गए, टाटा भाई खत्म। ओके गाइस तो यहाँ पे अपना एक बंदा डाउन हो गया, कौन हुआ? रोमियो भाई। तो मेरे को रोमियो भाई को भी बचाना है, तो अपन रोमियो भाई को जल्दी से बचा लेते हैं। क्रोनो लगा के क्या ही, तो सही मोमेंट है, क्रोनो लगाया और उस बंदे को हेड भी मार दिया तुम्हारे भाई ने। ओके गाइस तो अभी अपने को ऊपर भी जाना पड़ेगा, क्यों? अपन ने एक, अरे भाई गलत था ये, गलत सीन था भाई ये, लेकिन उसको डैमेज थी, उसको डैमेज थी बंदे को, मतलब पीछे से फायर आ रहा था ना उसको, तो भाग लिया एंड ये वाली किल को ले गया भाई, टेप गया ये वाली किल को। चलो गाइस तो लास्ट बंदा बचा है, कहाँ छुप के बैठा है चिमकांडी, देखते हैं किधर है, किधर बैठा हुआ गाइस। तो मैं हिल तो, अरे तोंडे दाई को मार दिया अंदर है भाई, धप्पा दे दिया भाई साहब। तो गाइस चलते हैं इस मैच में, तुम्हारे भाई का मतलब क्या ही तो चल रहा था, नेड ही परफेक्ट, हेड ही पड़ रहे थे। अरे भाई यूजी से मार गया भाई ये, इस राउंड को हम हार गए थे, मेरे को याद आया इस राउंड को गाइस हम हार गए थे, वुकुंग इसने इतना ओपी यूज किया ना, अभी आके इनको मारेगा। रूमी भाई को भी ले गया भाई, गुलाटी भाई को भी ले गया भाई साहब, लाजवाब खेला। इसके लिए, इस बंदे के लिए एक लाइक दे देना वीडियो को, उसको तो लाइक नहीं दे सकते हो तो वीडियो को दे दो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 7 मिलियन की फैमिली भी कंप्लीट करा दो दोस्तों, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो गाइस। ओके चलो अभी हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि एक बंदा उनका क्वाड्रा कर गया, वो वाला बंदा क्वाड्रा कर गया भाई साहब। तो यहाँ पे मैंने नेट ले लिए दोबारा से, नेट को कर करके फेंकूंगा। अभी 1-1 हो गया राउंड अपना एंड भारी सी ड्रेस पहन रहा था क्योंकि मैं मजे में खेल रहा था। ओके अच्छी सी लग रही थी ये ड्रेस तो मैंने पहन ली ऐसी, तोंडे दाई कह रहे थे क्या पहन के आ गए हो ये। तो यहाँ पे भाई लोग आप देख सकते हो कि यहाँ से कोई बंदा जा रहा है, अगर आपके पास नेट है तो आप इस तरह से फेंक के उसको डाउन कर सकते हो ईजी, मतलब हम आएंगे उससे पहले हमारा नेड आएगा ऐसा डायलॉग कुछ हो सकता है। एंड यहाँ पे एक और बंदा था, ओहो भाई मतलब ये तो तुक्का नहीं बोल सकते, मतलब मेरे को पता था फुटस्टेप आए थे, फेंका वहाँ पे बंदा डाउन, मतलब क्या था भाई ये वाला, मतलब ये सीन अलग ही था। चलो गाइस तो यहाँ पे एक बंदा बचा है इनका एंड एक ही बचा है ना, ओके भाई एक ही बंदा बचा है, लेकिन वो कहाँ है भाई, इनका एक बंदा बिल्कुल अलग ही रहता है। इस बार क्लच ना निकाल ले जाए, पिछली बार लौंडा क्लच कर गया था 1v4, वो भी इमोट दिखाना बनता है नूबड़ों की तरह मार गया हमको। ओके गाइस देखते हैं किधर मिलेगा, किधर मिलेगा, किधर मिलेगा, मिलेगा तो सही, जोन से बाहर तो नहीं भाग जाएगा, मतलब ये राउंड तो गाइस लिख के ले लो हमारा है। इस राउंड में क्लच निकालना इम्पॉसिबल कह सकते हो, इसने मेरे को बहुत गंदा डैमेज दिया भाई, सुझा दिया लौंडे ने। ओके तो मेडिकेट यूज कर लेते, बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि पिछली बार हमने रिस्क लिया था, रिस्क नहीं रिक्स लिया था और उस बंदे ने धो दिया था। तो तोंडे दाई ने मार दिया, उसका नाम था ब्लैक 444, व्हाइट 44 का भाई या फैन हो सकता है। ओके गाइस यहां पे 2-1 हो गया है राउंड एंड, अभी अपन क्या ले लेते हैं, फिर से हथगोले, हथगोले मतलब नेड ले लेते हैं, बमबारी करेंगे भाई। ओके तो यहाँ पे MP5 बेस्ट है कॉम्बिनेशन नेड के साथ, क्योंकि हल्का सा अगर डैमेज जाता भी है नेड से तो आप MP5 निकालो, लॉन्ग रेंज में 2-3-4 गोली मारो बंदा डाउन, अगर शॉर्ट अगर रहती है तो फिर वो शॉर्ट रेंज मतलब लॉन्ग थोड़े मिड वालों को नहीं मार पाते हो आप। चलो गाइस तो अभी हम चलते हैं जल्दी जल्दी से एंड कोशिश करते हैं इस वाले राउंड में 2-3 लॉन्डो को लेने की, लेकिन उनकी कमबैक देखना अभी इस गेम में,
ठीक है, बहुत तगड़े प्लेयर मैं मानूंगा भाई, मतलब मानना पड़ेगा यार, मतलब बहुत टक्कर दी भाई, मतलब सही खेले यार लोंडे, या बोल सकते हो अपना टीम का कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। नहीं यार तारीफ तो बनता है, तारीफ नहीं छीननी चाहिए गाइस, अच्छा खेले लोंडे। ओके गाइस तो यहाँ पे मैंने एक को मार दिया है, नेड नेड से ले गया हूँ एक को तो, और यहाँ पे वहाँ पे कौन डाउन हुआ, रोमी भाई डाउन हुआ जस्ट पीछे, तो अभी 2v2 हो गया है, 2v2। यहाँ पे एक बंदा था जिसको मारने में मेरे को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी भाई, मतलब बंदा पीक ही नहीं दे रहा है, आप नोटिस कर रहे हो, वो बंदा बिल्कुल पीक नहीं दे, भाई नेड फेंक दिया भाई उसने कहाँ, अरे भाई मतलब यहाँ पे मैंने लगाया तो पीछे से पड़ गया ये 94, लेकिन दिखा नहीं, देखो ये रहा। चलो गाइस तो यहाँ पे ये वाला राउंड 2 vs 2 हो गया, क्या हमारी टीममेट्स जिता पाएंगे, द ग्रेट तोंडे दाई, और कौन है, गुलाटी भाई, मशहूर गुलाटी। तो यहाँ पे ये बंदा उनका नीडर था, जैसे मैं यहाँ से नीड करता हूँ ना अच्छी स्क्वाड में गाइस, आपको एक स्नाइपर मिलेगा, एक नीडर मिलेगा, मतलब बहुत सारे लोग समझते नहीं है, बट अगर आपको टॉप करना है, ग्रैंड मास्टर जाना है कहीं भी, तो ये सब आपको चूज करना पड़ेगा, कोई फ्लैंकर, कोई रशर, एक नीडर, जैसे इस स्क्वाड में था, उसने भी परफेक्ट नीड फेंके, मतलब वो वाला नीड मेरे भाई बिल्कुल सही था, एंड यहाँ पे भी शायद उसने एक दो नॉक निकाले। चलो गाइस तो देखते हैं कि अपने टीममेट यहाँ पे जिता पाएंगे, क्या लगता है। तो गुलाटी भाई यहाँ बहुत तेज तेज बॉल लगा रहे हैं, लेकिन शॉटगन से मार गया बंदा। ओके तो तोंडे दाई क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, और वो भी निकल नहीं है, टाटा भाई खत्म हो गया उनका भी। चलो गाइस तो कोई बात नहीं, होता है होता है, तो दो दो ईच हो गया गाइस, 2-2 ईच। ओके तो काफी बढ़िया वापसी करते हैं भाई वो बंदे, एक राउंड हम जीतते हैं, एक वो ले जाते हैं, फिर एक हम जीतते हैं, फिर एक वो ले जाते हैं, और ऐसे लेके जाते हैं जैसे 2v3 1v4 में लेके गए हैं, मतलब क्लच निकाले हैं उनके बंदों ने, ये भी सही है। अपन की किल हो चुकी है 6 किल, 4 किल, 2 किल, 1 किल, और वहाँ पे भी कुछ ऐसी किल है, वहाँ पे टीम वर्क चल रहा है, वहाँ पे मतलब किल्स डिवाइड है, 4, 3, 5, सबकी एक जैसी किल है वहाँ पे, और टीम वर्क है उधर। ओके गाइस तो यहाँ पे हम देखते हैं सामने एक बंदा था जिसको मैंने स्कोपिंग करने का मारने का कोशिश किया, लेकिन वो लगा नहीं उसको। एंड मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये ग्रैंड मास्टर पुशिंग के टाइम का गेम है, लेकिन ये ऑफलाइन वाला है, ये शायद 20 के राउंड का होगा, जब मेरे 20 स्टार थे ना ग्रैंड मास्टर पे। ओके अभी तो 40 या 45 है, मैंने खेला नहीं है गाइस, उसका रीजन आपको वीडियो के आखिरी में मिल जाएगा क्यों अभी पुशिंग छूट गई 2-3 दिनों से। ओके वरना आपको आपका भाई उसमें दिखता, टॉप 20 में तो दिखता, टॉप 10 टॉप 20 में ईजी दिखता। चलो गाइस तो यहाँ पे मैंने नेड कुक कर लिया, क्योंकि वहाँ पे अपने रोमी भाई को किसी ने मार दिया है। ओह भाई सब क्या, तो परफेक्ट नीड गया भाई, किसी ने वॉल लगाने की कोशिश की लेकिन गया वो बंदा। ओके तो कंफर्म भी हो गया है, देखना यहाँ पे देखना, अभी पीछे से हेड मारा भाई साहब, तुम्हारे भाई ने तुरंत ही हेड रख दिया, अगर मैं यहाँ पे जाता तो ये राउंड भी गया, मतलब समझो अगर ये राउंड गया तो मैच जाता ये वाला, पता है आपको ये बहुत क्रूशियल था ये वाला गाइस। तो चलो गाइस यहाँ पे एक बंदा बचा है उनका, अरे दो बंदे बचे हैं। ओके किसी ने नेड से डाउन कर दिया, बहुत ही बढ़िया, कौन थे अपना टीममेट, गुलाटी भाई बहुत ही ओपी। तो यहाँ पे अभी 2v1 हो गया है, एक बंदा अपना एक टीममेट डाउन है, रिवाइव मिलेगा क्या। ओके रिवाइव मिल गया, बहुत ही हार्ड। तो यहाँ पे वो बंदा देख रहे हो पीक वीक बिल्कुल नहीं देते लौंडे, मतलब बिल्कुल नहीं, ये नहीं कि उल्टा सीधा रश कर रहे हैं, रश करके मार रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने रश किया और शॉटगन से ले गया, और यहाँ पे स्पीड दिखा के वॉल भी लगा दी। ये ब्लैक 4-4 भाई हर बार इनका बच जाता है बाद में, मतलब लास्ट तक बच रहा है गाइस। भाई लोग अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैच काफी तगड़ा था, इंटरेस्टिंग था भाई, जो इंटरेस्टिंग वाले मैच होते ना उनको मैं डालता भाई, और इसको इंटरनल साउंड के साथ डालता, अगर ये कुछ इस ग्लिसी नहीं होती। पता क्या हुआ था इसमें बता देता हूँ आपको, गेम की साउंड बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, एंड जो वॉइस थी वो स्लो हो गई थी, मतलब वॉइस आपको नहीं आ रही थी टीममेट्स की और मेरी, तो फिर आपको अगर आप मेरी आवाज़ सुनते या टीममेट की सुन के लिए तेज करते आवाज़, तो आपकी गेम की साउंड और ज़्यादा तेज हो जाती, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सब कोई स्लो करें, वॉइस ओवर कर देते भाई, मतलब एक सॉल्यूशन निकाल लिया। चलो गाइस इस वाले राउंड में क्या हुआ था, फिर से उनका वापसी था इस वाले राउंड में, फिर से उन्होंने कमबैक किया था इस राउंड में, बिल्कुल ट्रिम नहीं करूंगा भाई, हम हारे, आप देख लो हमारी हार भी देख लो यार, अपन ट्रिम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ओके गाइस तो यहाँ फाइट हो रही है अपनी लेफ्ट में। ओके तो मैं यहाँ पे इधर आ गया था इनके डबल डोर के ऊपर, बट ये बंदे काफी शातिर थे भाई, बहुत ज्यादा शातिर बंदे थे भाई ये डबल डोर के आसपास या ऊपर बैठे ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे नेड से इजी मार लेते हैं ना, नेड इजी जाता है वहाँ पे, लेकिन ये लोग यहाँ पे नहीं थे। मैं स्पॉट करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ भाई, आपके गाइस स्क्वाड में क्लू भी होनी चाहिए। यहाँ पे शायद रोमी भाई अभी लेके नहीं खेल रहे थे, नहीं तो स्टार्टिंग में ये मतलब स्टार्ट जब किया था ना पुशिंग, तो ये क्लू लेके खेल रहे थे, तो बहुत फायदा होता भाई क्लू से। देख रहे हो क्या ही तो भाई डॉज करके चला गया वो नेड को, क्या ही तो बच के गया है। तो यहाँ पे इतनी देर अपने दो बंदे निकल लिए हैं, मैं नेड नेड खेलता रह गया और अपने बंदे निकल चुके हैं, क्या इस वाले राउंड में मैं क्लच कर पाऊंगा या मैं भी टाटा वावे कर दूंगा। शायद मैंने इसमें डाउन तो किए होंगे एक दो, क्योंकि मैं बिना फाइट किए नहीं मरता हूँ भाई, क्योंकि उसने नेड किया गाइस लेकिन उसका नेड वहीं पे हो गया,
ये टूट गया। ओके मैंने डैमेज दिया बंदे को, क्या मार पाऊंगा इसको, क्या मार पाऊंगा। और हेडशॉट भाई साहब, पूरा लाल लाल डैमेज। ओके क्या इसकी किल कंफर्म कर पाऊंगा मैं? अरे भाई इसकी किल ही ले लेता कम से कम, एक किल तो आती, बट कोई नहीं। चलो भाई लोग, तो यहाँ पे अभी हम मतलब कौन सा बोलते हैं, डिसाइडर वाले राउंड में आ गए, डिसाइडर राउंड में यही बोलते हैं ना, या और कुछ बोलते हैं मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। तो अभी अपन लास्ट राउंड में आ गए, या तो उनका मैच या हमारा। तो इसमें मेरे नीड की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, मतलब सख्त समझ रहे हो, सख्त लौंडे वाली सख्त ज़रूरत है। और मेरी किल कितनी है, इसमें मैंने क्वार्टर निकाला था क्या शायद, मतलब शायद। और तो यहाँ पे गाइस तोंडे दाई ने अपने नीड मेरे को दे दिया, बहुत ही हार्ड। उनकी किल देख रहे हो गाइस, 5-5-3-2, मतलब कोऑर्डिनेशन उनका बहुत ओपी है, टीम कोऑर्डिनेशन। मतलब एक बंदे की कुछ ज़्यादा ही किल हो औरों की कम हो तो यार टीम वर्क नहीं हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हो, सबका थोड़ा थोड़ा चलना जरूरी है। चलो गाइस, तो यहाँ पे मैं स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था और देख भी रहा था कि राइट से आके बजाना जाए, वहाँ पे देखो छत पे चढ़ गया, देख रहे हो वो बंदा छत पे चढ़ गया, देखा आपने भाई साहब, सही टाइम पे बॉल लगा ली वरना मैं जाता। और मैंने यहाँ पे नीड कुक कर लिया क्योंकि मेरे को दिख गया तोंडे दाई पे रश कर रहे हैं दो बंदे, ठीक है। तो ये भी कवर है गाइस, ये भी ओपी वाला कवर होता है, लेकिन तोंडे दाई की क्रोनो ने उसको बचा लिया, बट कोई नहीं। फिर से एक नीड कुक किया और इससे डाउन हो गया एक या दो, भाई साहब दो बंदे डाउन हुए इस नीड से, दो बंदे गाइस। लेकिन उसका परफेक्ट नीड आया, उनके पास भी एक नीडर है जिसने मेरे को डाउन किया, लेकिन तुम्हारे भाई ने दो किल यहाँ पे निकाल लिए एक नीड से। ओके गुलाटी भाई ने यहाँ मेरे को रिवाइव बहुत सही दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका जो वो बंदा फिर से क्लच निकालेगा, यहाँ पे वो एक दो बंदे को लेके जाएगा, शायद रोमी भाई को लेके जाएगा। तो यहाँ पे उनका एक बंदा पूरे फुल फॉर्म में था, फुल फॉर्म में बोलते हैं। ओके गाइस, तो ओम लेके इसको देखना क्या क्या ही तो हेड मारा भाई इसको, लाल लाल डैमेज हेड का, मतलब काफ़ी बढ़िया था। ये शॉटगन मेरे हाथ में भाई जम गई है अभी, है ना, हैंड ऑफ वुफ वाली काफ़ी सही चल रही है, मतलब मेरे को बढ़िया लगी, आप बताना आपको कैसी लगी। मैं तो अभी इसी को चलाने वाला हूँ। तो गाइस ये बंदा डबल ओम चला रहा था, यहाँ पे आई क्यू लेवल देखना, ठीक है, इसको कनेक्ट नहीं हो रही, स्पीड दिखा रहा है, लेट के मार दिया भाई, क्योंकि वो ओम थी उस पर, दो मारता मैं जाता, फिर उसका भी क्लच निकल सकता था क्योंकि गुलाटी भाई अच्छी थी कम एचपी पे, ठीक है। तो मैं लेट के उसको पील। चलो गाइस, काफी ओपी वाला मैच हुआ, 3-3 तक गया भाई, सामने वालों की तारीफ बनती है जो कि मैंने कर दी है। अभी आपको तारीफ देनी है, तारीफ कैसे देनी है आपको, लाइक करके 200 के लाइक्स कंप्लीट कर दो, हमको लाइक दे दो और सामने वाले बंदों को भी, एंड सब्सक्राइब कर लो गाइस। मैंने पूरी वीडियो में नहीं बोला क्योंकि मैच देखने के बाद आप अपने आप से करोगे, मुझे पता है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो एंड ये वाली क्लिप को एंजॉय करो क्योंकि हम अभी यूजी एम्पायर टीम के साथ वेकेशन पे इधर शिमला में, ठीक है। बताओ आपको ब्लॉग चाहिए या नहीं, जल्दी से बताओ, इसको थोड़ी सी क्लिप है, एंजॉय करो इसको। सो हेलो भाई लोग, यहाँ पे हो चुकी है मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों, आज हमारा मोटा जल्दी जग गया। हेलो मोटे। हेलो सन। ओके भाई, और यहाँ पे अपना जावा भाई सोने जावा भाई गाइस हमारे जैसे सोया नहीं है पूरे रात। इसका रीजन क्या है भाई साहब, पूरी रात बारिश पड़ी है। मौसम देखो गाइस, देख रहे हो मौसम देखो, एंड ठंड को महसूस करो, महसूस कर पा रहे हो भाई? अभी यहाँ पे कोहरा था, पता है कुछ नहीं दिख रहा था यहाँ पे, नीचे वगैरह कुछ कुछ दिख ही नहीं रहा था, अब थोड़ा क्लियर हो गया है।